आफ्टरनून एवरी वन, आई एम अदिति हियर, योर एडुकेटर फॉर इंग्लिश एंड पेपर वन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो कि अब हमारे पास फॉर्म आ गया है, फॉर्म को हम भर सकते हैं। आज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की हम बात करेंगे, ताकि जो छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं, फिर करेक्शन विंडो का वेट करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़े। सो वी विल मेक श्योर कि अपना जब फॉर्म भरें तो बहुत अच्छे से भरें। तो आप लास्ट तक सेशन में बने जरूर रहिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेशन आज का आपके लिए ही है। तो पहले तो मैं आपको विजिट करा देती हूँ एक बार साइट, है ना। साइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपने साइट को खोल लिया, ugcnet.nta.ac.in, कहीं नहीं जाना, यहीं पे लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉग इन। और आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आपको ये लेकर जाएगा यहाँ पर नीचर वेयर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड किया और हम चलते हैं नीचे। नीचे जाएंगे तो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे अब आपसे पूछेगा आधार कार्ड नंबर आपको यूज करना है टू मेंटेन योर ऑथेंटिसिटी। और आधार नंबर आप यूज करेंगे, ओटीपी को आप जनरेट करेंगे। अब जैसे ही आप ओटीपी को जनरेट करेंगे और अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन नंबर कि आपको ईमेल पे भेज दिया है, एक ऐसा टेक आएगा और आपको बताया जाएगा। तो उसके बाद आप पोर्टल पे जाके अपना लॉग इन कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, सिक्योरिटी पिन और लॉग इन। इसके बाद आपकी पर्सनल बेसिक डिटेल्स तो पूछ ली हैं, अब आपसे प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स पूछता है। कंट्री इंडिया, डिस्ट्रिक्ट डालो, अपना एड्रेस डालो, पिन कोड, स्टेट, ईमेल एड्रेस अच्छे से देख के डालना और मोबाइल नंबर भी अपना बढ़िया तरीके से सही नंबर डालना। फिर प्रेजेंट एड्रेस, कैप्चा, आई अग्री पे टिक और फिर सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव होगी सक्सेसफुली। फिर हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल्स आती हैं, जैसे ये पीछे लिखी हुई है, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, मदर गार्जियंस नेम, कैटेगरी, कैटेगरी पे फिल कर देना, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आप टाइप देंगे उसी का नंबर आपको भरना है, स्टेट डोमिसाइल, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं डाल देना, एनुअल इनकम और आर यू डायबिटिक, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गया। आई अग्री, सेव एंड सबमिट, पर्सनल डिटेल्स भी मेरा सबमिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अब आपका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जा रही हैं। तो अब आपसे पूछा है कि आप यूजीसी ने दिसंबर 2024 में किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर्स डिग्री। मोस्टली बच्चे मास्टर्स डिग्री वाले होंगे, बट इफ यू आर समवन हु इज विद फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम तो इधर टिक कर देना। ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग आपको बताना है अगर आपका अभी चल रहा है, और अगर आप फाइनल ईयर में है या आपका फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड है तो ये भी आपको बताना है कि भाई रिजल्ट अभी फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट अभी आना बाकी है कि क्या है, और किस ईयर में आपने अपना मास्टर्स पास किया है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है ईयर ऑफ पासिंग में। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से किया था, दिल्ली से किया था, स्टेट लिख दो, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपने कहाँ से किया था ये आप इधर लिख देना बेसिक डिटेल्स में। कैप्चा, आई अग्री, सेव एंड सबमिट। ठीक है, यहाँ पे जो चीज ध्यान रखने वाली है बस वो यही है, फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और मास्टर्स डिग्री, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहना है। आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, देखो मोस्टली तो सारे मास्टर्स वाले ही होंगे, बट अगर फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले हैं रिसेंट स्टूडेंट्स, तो फिर वो उससे करके अपना फाइनल ईयर अवेटेड है तो अवेटेड लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग है तो ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। नेक्स्ट पे हम गए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी जो है मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपसे पूछता है पीएचडी डिटेल्स, है ना, वो भी थोड़ा डिटेल में, क्योंकि पीएचडी के लिए भी पूछते हैं। तो यहाँ पे वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, यस या नो का कॉलम है, भर देना। वेदर मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 1991, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो क्या आपका जो मास्टर है वो कंप्लीट हो गया था 1991 तक ही, तो फिर यस या नो भरना है। फिर स्पेशलाइजेशन इफ एनी, इफ देयर इज एनी, और उसके बाद है क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद कोई रिसर्च एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर आपको यहाँ येस या नो रखना है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगेन येस या नो, कैप्चा डाला, सबमिट किया, और फिर मेरे पास ये डिटेल्स आ जाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जैसे एक पे टिक करेंगे ऑटोमेटिकली तीनों पे टिक हो जाएगा, चाहे या पीएचडी ओनली पे करो या जेआरएफ पे करो या असिस्टेंट प्रोफेसर पे, मैंने खुद करके देखा तीनों पे या एक पे किसी पे भी करो ऑटोमेटिकली तीनों पे टिक हो रहा है। ठीक है, अब आपका नेट है किसमें, सब्जेक्ट को अच्छे से देख के रखना है विद योर कोड नंबर, सब्जेक्ट डाला, क्वेश्चन पेपर का मीडियम,
देखो ऑफलाइन पेपर तो है नहीं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, तो मीडियम पूछा है तो मीडियम भी सोच समझ के डालना है, इंग्लिश या हिंदी या आपका जो मीडियम है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट, इस बार जो कि नोटिस में लिखा गया है कि सिंगल शिफ्ट में ही पेपर होंगे, तो शायद वो भीड़ को अवॉइड करने के लिए हर बार जो सिटीज में सेंटर दिया जाता है, इस बार कहीं ना कहीं आपके लोकेटेड एरियाज में भी मिल जाएगा। जैसे हरियाणा का मोस्टली ना दिल्ली ही पास पड़ता है या चंडीगढ़, बट इस बार हरियाणा के अंदर भी ऐसे कुछ एरियाज निकाले हैं जहां पर एग्जाम स्टेट आपका दिया है इन्होंने कि अच्छा ठीक है इस सिटी में हम रख देंगे एग्जाम, वरना नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी फॉर्म भर देना, उस अकॉर्डिंग देख लेना। तो फर्स्ट चॉइस आपका जहां से भी है, राजस्थान से है तो राजस्थान, अलग अलग सिटीज यहाँ पे अपने भर दो। हरियाणा से हो तो अलग अलग एरियाज पास जो है भर दो। तो मेक श्योर कि ये सारे फिल करने हैं। फिर अपने पेरेंट्स की एजुकेशन आपको बतानी है और उनका ऑक्यूपेशन बताना है। इफ योर मदर इज डूइंग समथिंग तो ऑप्शन है, नहीं है तो फिर हमारा लिख सकते हैं अदर्स। ठीक है, कैप्चा में नंबर कोड डालो और उसके बाद हम चलते हैं आगे, जहां से हमने बेसिक डिटेल्स सारी दे दी हैं। भैया हमने एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया, पर्सनल दे दिया, क्वालिफिकेशन दे दिया एडिशनल। अब देना है हमें यहाँ पे एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी हो गया। अब देना है अपलोड डॉक्यूमेंट, जहां से सिर्फ आपसे फोटो और सिग्नेचर मांगा है। यहाँ पे जब हम लास्ट के डेज में करने लगते हैं ना, तो एरर आने लगता है बहुत बार, बट इसीलिए इट इज एडवाइजेबल थोड़ा सा पहले कर लो। करना किस फॉर्मेट में है, जेपीजी और जेपीईजी में। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB, सेम विद सिग्नेचर, इनका वेरिएशन देख के और यहाँ फिल कर देना। सबमिटेड, जैसे ही आपका चूज फाइल करोगे सबमिट हो गया, यहाँ पे आपका आइकॉन आ जाएगा, व्यू में आपकी फोटो दिखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये सब हो गया, अब आता है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट से पहले ये आपका वेरीफाई कराएंगे मोबाइल नंबर कि आपने सही डाला है कि नहीं डाला। तो पर्सनल डिटेल्स, सब डिटेल्स यहाँ पर हैं जो भी आपको ब्लैंक में दिख रहा है, और मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई कर लेना क्लिक हियर करके, और फिर वो आपको सीधा लेकर जाएगा फाइनल सबमिट पर। फाइनल सबमिट एंड देन मूविंग ऑन विथ पेमेंट, पैसे देने बाकी हैं बस अब, और आपका फॉर्म भरा गया। कुछ लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, वेरी शॉर्ट। कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो हमारे पास यहाँ पर रहेंगी कि आपका जो है एक तो हिंदी या इंग्लिश मीडियम, कौन सा मीडियम है, दूसरा वो प्रोग्राम वाला चीज़ है, तीसरा आप पीएचडी ओनली के लिए करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ करें, ऑटोमेटिकली तीनों में आपका टिक हो जाएगा। ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। पेपर कोड को अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम सिटी ढंग से देख के भरना, कई बार जल्दबाजी में या एग्जाम रश में कि फॉर्म की डेट जाने वाली है, आखिरी दिन हम भर रहे हैं, फिर वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा एक्ट अप कर रही है, तो देख के कर लेना। फाइनल सबमिट जब हम करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिर से टिक करने के लिए बोलता है कि फिन केस आप उसको डबल चेक कर लो, कोई गलती तो नहीं है फिर। तो फाइनल सबमिट अपन ने यहाँ पे कर दिया, प्रॉपर यहाँ सबमिट किया फाइनल सबमिट, और फिर आपको वो लेकर जाएगा सीधा का सीधा पेमेंट के ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ दो तीन बातों का ध्यान, अपनी डिटेल्स सही डालना, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त हम वही लेकर जाते हैं। दूसरा, आपके ये सारे एरियाज की ये हमारे डबल चेक कर लो भाई, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर सेंटर सिटी। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। और फोटो सिग्नेचर अपना थोड़ा अपडेटेड डाल लेना, फोटो अपना अपडेटेड डाल लेना इफ पॉसिबल, ज्यादा वो बच्चों वाला या पुराना मत डालना फिर, क्योंकि वहां पे जाके दिक्कत रहती है बहुत बार। फॉर्म भरते वक्त जरूर ये याद रखना है कि आप एग्जाम सेंटर अपना नियरेस्ट दे रहे हो, ज्यादा दूर नहीं दे रहे घूमने के चक्कर में, और आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है, इस पर ध्यान रखना है, आपके पेपर कोड पर ध्यान रखना है। ठीक है, 3 से 4 बातें जिनका ध्यान आपको ज्यादा रखना है फॉर्म भरते वक्त, बाकी तो बहुत सिंपल है, जस्ट बेसिक डिटेल्स। जब भी कोई ऐसी डिटेल डालनी होती है कि मास्टर्स के आपसे नंबर पूछते हैं कि मैक्सिमम, जैसे आपका मास्टर्स जो है सीजीपीए में था कि परसेंटेज में था, मोस्टली का सीजीपीए में होता है, तो सीजीपीए का मार्क्स ऑब्टेंड और कितना है, फिर उसको परसेंटेज में स्विच करना है, तो नंबर कैसे स्विच करना रहता है, 9.5 से मल्टीप्लाई करके, और हमेशा आपके डिग्री के नीचे लिखा होगा कि कितने से आप मल्टीप्लाई करें कि आपका परसेंटेज कन्वर्जन हो जाए। तो वो सब चीजें हमेशा मास्टर्स का फॉर्म खोल के, डिग्री आपका स्कोर कार्ड खोल के, एग्जैक्ट चीज और फिर यहां पे लिखना है, कि आप अपनी मेमोरी पे विश्वास कर रहे हो, एक बार चेक कर लिया करो हमेशा फॉर डबल कंफर्मेशन। बस इतना ही था, दिस इज इट एंड वी आर डन। और इसी के साथ आप अगर आगे और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये तो फाउंडेशन बैच है, बट अगर मैं नॉर्मल क्लासेस की बात करती हूँ तो 5 PM फॉर इंग्लिश एंड फॉर पेपर 1 शुरू हो जाता है सब 9 AM से, अलग अलग फैकल्टीज आपके पास आकर और पेपर लेती हैं, और मेरा रहता है 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड या 11 बजे ऑल्टरनेट डेज पे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक,
ठीक है, 5 PM जो इंग्लिश से है वो रेडी हो जाओ मैराथॉन्स के लिए और प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन के लिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई हेल्प चाहिए चाहिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, की टाइम बहुत कम है, खुद से इतना नहीं होगा, तो पिछले 5 साल के पेपर 2019 से 2024 के पेपर आपको मिल रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। चेकआउट मार सकते हो ऐप या वेबसाइट पर से जाकर, ठीक है। सो GRF अड्डा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज इट, लेट मी नो इफ दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, और मिलते हैं कॉमेंट सेक्शन में। कोई भी दिक्कत रहती है कॉमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल वहां पर टेक्स्ट करके मुझे बता सकते हैं, एंड विल सी यू देयर। बाय।